हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज एंड वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है बहुत खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम में कैसे 95% तक स्कोर किया जा सकता है। हाँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है मैंने अपने ऊपर खुद लागू की है, अपने ऊपर खुद इसे एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और मुझे इससे इतना अच्छा बेनिफिट मिला है कि कोई आपको ये नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं बताने वाला है। तो प्लीज मेरे दोस्तों, प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में बीच को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने जहाँ स्किप किया तहाँ आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और प्लीज फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और प्लीज जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और ब्लॉग्स भी लाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास ट्वेल्थ में कैसे अपने परसेंटेज को गेन किया जाए। परसेंटेज भले आप बहुत कम ही पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो कैसे किया जा सकता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड, ध्यान से। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स का पेपर जैसे आप फिजिक्स में अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो फिजिक्स में आपको करना क्या है, फर्स्ट में आप जब पेपर दे रहे हैं तो फिजिक्स में पेपर देने से पहले फिजिक्स में आपको क्या करना है कि पूरा जितना भी डायग्राम है इम्पोर्टेंट, जितना भी डायग्राम है, हाँ फ्रेंड, जितना भी डायग्राम है इम्पोर्टेंट डायग्राम, उसको आपको क्या करना है, रट लेना है। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार रफ में सब डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है और एकदम रट लेना है फ्रेंड्स, जो कि मैंने किया था। डायग्राम रटने से क्या होगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसके बारे में नहीं आता है, तो डायग्राम बनाइए, उसके बारे में दो तीन लाइन लिख दीजिए। तो देखिएगा ऐसे फ्रेंड्स क्या होता है, एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देता है। अब कैसे, जैसे कि डायनेमो का आ गया, डायनेमो हाउ डायनेमो वर्क्स, डायनेमो कैसे काम करता है, तो वी ऑल नो दैट ए लूप कॉइल जाती है, एक प्लेट रहती है, उस पर चारों तरफ कॉइल लपेटा होता है, जब कॉइल चलता है तो दोनों ओर मैग्नेट्स होते हैं, पोटेंशियल इंड्यूस्ड होता है उसमें और करंट फ्लो होने लगती है। तो इसको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बना लेना है और उसका जो डायग्राम बन गया तो उसके बारे में ये सब चीज लिख लेना है फ्रेंड्स। मैं श्योर देता हूँ, चैलेंज है मेरा कि आपको फुल में फुल मार्क्स रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे साथ क्या होता है फ्रेंड, मैं अपना बताता हूँ, मैं फिजिक्स में ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और मैंने हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन 30 तक, मैं पूरे क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि मैंने डायग्राम ही बनाया था और बाकी कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाया और उसके बारे में थोड़ा 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 पॉइंट लिखता गया। और मैं जब घर आया तो मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने घर वालों से भी बता दिया, वो लोग कहे कि अब तुम क्या करोगे, कैसे क्या करोगे। तो फिर मैं जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं एकदम शॉक हो गया फ्रेंड्स, शॉक हो गया। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रेंड्स मेरी तरह हैं वो नहीं समझ पाते हैं और कम नंबर ला पाते हैं, जो कि डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं एकदम हताश हो गया था, लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मेरा डायग्राम जो है उसने मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प की। तो प्लीज यार फिजिक्स के क्लास ट्वेल्थ के पेपर में, जो फिजिक्स का पेपर है उसमें डायग्राम एब्सोल्युटली बना देना भाई, प्लीज, ठीक है, पूरा डायग्राम बना के कुछ पॉइंट लिख देना, पक्का तुम्हें नंबर मिल जाएगा। मैथ में आते हैं, मैथ में तुम्हें क्या करना है यार, एनसीईआरटी तुम्हारे पास बुक है, एनसीईआरटी बुक के जितने सॉल्यूशन दिए हैं फ्रेंड, जितने एग्जांपल दिए हैं, बस उसको लगा जाओ, बस उसको लगा जाओ, पक्का है कि तुम्हें आसानी से 80 से 85-90 नंबर आराम से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि जो एग्जाम में आता है वो सारा क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी का जो बुक होता है वही एग्जाम्पल उसमें आता है फ्रेंड्स, और बाकी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो बस आपको क्या करना है, क्लास ट्वेल्थ का जो आपका टेस्ट बुक है मैथ का, उसके एग्जाम्पल सारे लगा देने, रफली सब लगा डाल रहे हैं बस। और इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में जो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी का एक अरिहंत का बुक आता है, वो आपको 100-150 में मिल जाएगा, उसको आप क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को आपको रट लेना है, पूरे पैराग्राफ को आप सबका एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, उसके बारे में क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे एक पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, उसके बारे में दिया रहेगा कि इनका कहाँ जन्म हुआ था, बताइए इस पैराग्राफ से पढ़कर ये वो, तो एक रीडेबल पैराग्राफ हो जाएगा, उसको बोलेगा रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, तो उसको आपको पैराग्राफ करना है और आंसर क्वेश्चंस का देना है, तो बस वही आएगा और क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि आपने पढ़े ही
होंगे। इसके बाद हिंदी में आते हैं, हिंदी में आपको क्या करना है, तो हिंदी के पेपर में बस आपको जितने कविता हैं उसके बारे में पढ़ लेने हैं, क्योंकि जो कविता होती है उसका हिंदी में ही अर्थ पूछा जाता है। जैसे कि एक कविता हो गई, तो अब वो पूछेगा कि इसका हिंदी में पूरे कविता का चार लाइन का जो कविता है उसका पूरा हिंदी में आप व्याख्या कीजिए, तो आपको वो करना है। तो आप जैसे आसानी से उसे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो जितने कविता हैं उसे आप आसानी से पढ़ लीजिए, बस कुछ नहीं करना है हिंदी में, जितने कविता हैं उसको पढ़ लीजिए, जितने भी कविता है शुरू से लेकर अंत तक, और जितने क्वेश्चंस आंसर है, जितने टॉपिक्स हैं उसका थोड़ी रिवाइज कर लीजिए। वैसे हिंदी में कोई नहीं फेल होता है फ्रेंड्स, हाँ कुछ लोग फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्लीज अपने अच्छे से आपको कविता जो है और जो क्वेश्चन आंसर है उसे अच्छे से रट लेने हैं। ज्यादातर कविता ही पूछा जाता है ज्यादा नंबर में, तो कविता याद कर लीजिए, आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे कि मुझे हुआ था, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर सुझाव जो समझ में आया हो, अगर प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे यार हमारे चैनल को, और नए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन है उसे भी दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, और भी वीडियो के लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स फिजिक्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारियों के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक, अच्छा यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे फ्रेंड्स। और हाँ, फिजिक्स के पेपर में जरूर डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, तो फिजिक्स में प्लीज डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी फिजिक्स का पेपर करें, अभी आप जाकर कुछ क्वेश्चन करें और प्लीज उसका डायग्राम भी बस बनाते रहिए, और उसके टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। मैं पक्का श्योर देता हूँ कि मेरे फिजिक्स में 85 नंबर आए थे, और आपके भी जरूर 85 नंबर से ज्यादा आएंगे, ये मेरी आशा है, मेरी दुआ है आप सबके साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके थैंक्स फ्रेंड्स।